आइए दोस्तों, आप सभी को सादर जोहार जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश जय भीम। आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने के लिए आया हूँ। जनगणना अभी 1 अप्रैल से जनगणना प्रारंभ होने वाला है, तो इसके संबंध में हमको क्या करना है। तो वास्तविकता में आज हमारे पूरे भारत देश में NCR, NPR, CAA का विरोध किया जा रहा है कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए के। लेकिन अब जो वर्तमान में होगा जनगणना अभी, तो उसका हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों से मैं विचार रखने के लिए आया हूँ आप लोगों के बीच में कि वास्तविकता में यह क्या होगा। तो ये लोग जनगणना कराएंगे और उसी जनगणना को NRC में लेकर के जोड़ेंगे और उसी को लेकर के वहाँ डालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये करना है कि इसका आपको बायकॉट करना है, इसका विरोध करना है, इसका बहिष्कार करना है कि वास्तविकता में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो अगर हमको नागरिकता मांगा जाता है और उसमें कई ऐसे शर्त है, कई ऐसे जो कंडिका दिया हुआ है, तो उस कंडिका में आप कहीं सही नहीं उतरेंगे, खड़ा नहीं उतरेंगे, तो क्या हम भारत देश की निवासी नहीं होंगे, क्या भारत देश की मूल निवासी नहीं होंगे। तो इसके संबंध में हमको जानना है और इसके संबंध में हमको चिंतन मनन करना है कि वास्तविकता में ये सब चीज़ करना चाहिए कि नहीं। तो मैं सब प्रिय सभी दर्शकों से यही अपील करूंगा कि आप इसका बॉयकॉट करें। आप एक मोहल्ला में अपना एक मोहल्ला कमेटी बना लीजिए, वार्ड कमेटी बना लीजिए, और वो वार्ड कमेटी के जरिए आप एक फॉर्म बनवा तैयार कर लीजिए, और तैयार करने के बाद आप सीधा उसमें बॉयकॉट कीजिए, यानी उसका बहिष्कार कीजिए। हमको जनगणना नहीं चाहिए, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इसके लिए हमको सबूत मांगा जाएगा। तो यह कहाँ तक सही होगा भाई, ना हम हमारा आधार का, आप देखिए किसी व्यक्ति को पहचान पत्र, पहचान है, इस भारत देश की निवासी है। मैं कहूँ कि मैं इस गांव के निवासी हूँ, इस गांव के इस घर के निवासी हूँ कहूँ, तो मुझे क्या मांगेंगे, मेरे पहचान पत्र मांगेंगे, राशन कार्ड मांगेंगे, यहाँ तक कि जो वोटर ID मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, तब ये सिद्ध होगा कि ये यहाँ का निवासी है करके। तो अगर किसी व्यक्ति का जाति जानना है, वर्ग जानना है, तो उसका जाति प्रमाण पत्र से सिद्ध होता है कि ये फलाने वर्ग का है कह के। तो अगर ये सब चीज़ का कोई मान्यता नहीं है, ना ही उसमें आधार कार्ड का कोई मान्यता नहीं है, ना ही उसमें कोई परिचय पत्र का, जो वोटर ID है उसका नहीं, ना राशन कार्ड का नहीं, तो अब हम कैसे सिद्ध करें कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। आज मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं, 88 का जन्म है, मेरा 86 का जन्म है, 86 का जन्म है, उसका अगर मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो मेरे पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से होगा, पहले आप ये सोच के देखिए। और अगर हमारे पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि हम यहाँ के मूल निवासी। पहले मिसर रिकॉर्ड, अभी भी हम जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं, तो उसमें 1950 का हमारे आदिवासी समाज के जो हैं उसको, आदिवासी समुदाय के हैं उसको, 1950 का मिसल रिकॉर्ड मांगा जाता है, नहीं तो फिर मिसल बंदोबस्त मांगा जाता है, जिसमें पैदाइश को भी मान्यता मिली है। तो आज आप देखिए, इन सब चीज़ को कोई मान्यता नहीं दी जा रही है, तो अब हम कैसे सिद्ध करें कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो इससे बेहतर यही है कि हम उस कंडिका में ना फॉर्म भरेंगे, ना ही झंझट पालेंगे। इसलिए एक ही उपाय है कि आप उसका बॉयकॉट करें, आप उसका बहिष्कार करें। बस इतना कह करके आप सभी को मेरे तरफ से सादर जोहार जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश।